हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की लॉक की स्टार्टिंग आप लोगों ने देख ही ली है। तो जिया को आज बन के जाना है राधा। जिया के स्कूल में आज जन्माष्टमी का फंक्शन है, कल है जन्माष्टमी। तो आप लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी जन्माष्टमी। तो अभी जिया रेडी हो चुकी है, लेट हो रही है काफी, उसको फटाफट से स्कूल लेके जाना है। और हम लोगों ने आधी रील बना भी लिया, मतलब एक दो रील बना लिया है, और जिया के थोड़े सिनेमेटिक ले लिए हैं। तो जिया लेट हो गई है। इन्ना क्यूट है बनाया तेनू के रब ने तो हद कर दी। दे मैनू तू हट वाला कमरा नी मेरा दिल करदा। वेख वेख तेनू के लगदा है मैनू वे दिन वेल चल चढ़े। अब तो स्कूल चली गई है और यहाँ पे देखो खिला रहा ये, और नाश्ता भी नहीं करके गई। बोलती जब कभी ऐसे फंक्शन वगैरह हो ना तो बिल्कुल नाश्ता नहीं करके जाती है, बोलती मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, मैंने नहीं खाना है। देखो ना, फ्रूट्स खाए उसने और ने नाश्ता किया, और ये देखो पूरा फैला पड़ा है। और बैग दूसरा वाला लेके गई है, ये पुराना वाला है। अब मैं सारा ये सब समेटती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। जितनी फुर्ती में आप आए हो ना वहां से कहते लिपस्टिक उठा के, अगर आप ढंग की नहीं लगी तो सोच रहे हैं। मुंह देखो इनका खराब, इतने अच्छे से लगाया है मैंने, इतना बढ़िया यहाँ पे हल्का सा रह गया, बस इसको सेट करना है, बस ऐसा करो फिर। नहीं, बदतमीजी तो दिखानी हुई है ना, थैंक यू। जो आप रियल में हो वो तो दिखाना ही हुआ ना। थैंक यू, थैंक यू, बदतमीज जैसे। अब सिंदूर भी लगा दो, बिंदी भी लगा दो, साइड के साथ भी करो, देखना नहीं करा ना ढंग से। कहते हैं प्रेगनेंसी में पति मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, ऐसी हेल्प इतनी भी हेल्प, मतलब लिपस्टिक मैं लगा दे रहा हूँ उसकी, क्रीम थोपड़ दो मेरे मुंह पे, बोल रही है थोपड़ी आपने, थपोड़ी। एक बात बता, हमेशा निशाना सही कैसे लगता है? मैं लेफ्टी हूँ, क्योंकि लेफ्टियों का निशाना हमेशा ही कंचे खेलती थी मैं बचपन में, यहाँ की कतई वहां से वो कर दी थी, आंटी बोलते थे हमारे उसमें। आपके इसमें क्या बोलते हैं? कंचे बोलते हैं ना हमारे इसमें, आंटी बोलते थे। बांटे, कली जोटा, परु नक्का, ये देखो ऐसे वहां पे गुटका गिरा हुआ है आपका। गुटका खाते हो? छोड़ दिया ये, यहाँ पर क्या चल रहा है? ये बताओ, वो तो मेरे को क्यों मारा? क्यों? वो लड़ाई छुड़ाने आ रहे थे तभी मारा। तो हम दोनों के बीच में पंगे क्यों ले रहा था वो? कौन से पंगे हो रहे थे? मुझे तो पहले ही शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ कर रहे हो, मैं वेट कर रही थी बस कि पापा कब आप दोनों को खींचे, और जब खींचा ना इतना मजा आया ना, बेचारी सोई हुई थी उसको पता ही नहीं था। तो अभी तो पता लग रहा है ना। और पापा आजकल हाथ से नहीं मारते, पापा लात से मारते हैं। पापा कहना ये है कि लातों के भूत हाथों से नहीं मारते। बस ए, हमारी राधा रोते रोते आ रही है। कृष्णा कौन कौन बन के आया था? सारे बन के आई थे। लड़कियाँ भी? नहीं तो। लड़कियाँ क्या बन के आई थी? लड़कियाँ ये पहन के आई थी। अच्छा, राधा बन के आई थी और थोड़े बॉयज राधा बन के आए थे। बॉयज राधा थोड़ी बनते है, क्योंकि हमारी जो अलमारी है ना वो अब बहुत छोटी पड़ गई है, हम तीन लोगों के लिए उसमें कपड़े नहीं फिट आ रहे हैं, फिर एक मेंबर और जुड़ने वाला है उसके लिए तो क्या ही आएंगे। तो हम सोच रहे ना थोड़ी हम अलमारी अपनी बड़ी कर ले, क्योंकि हमारे कपड़े इतने सारे हैं ना, बेड में कपड़े, अलमारी में कपड़े, जो बेड का ढोल होता है ना हमारे इसमें ढोल बोलते हैं, पता नहीं आपके इसमें क्या बोलते हैं, उसमें भी कपड़े हैं हमारे। तो हम सोच रहे हैं मार्केट जाए, थोड़ा अलमारी का हम देख के आए, और फटाफट से मैं पहले तैयार हो जाती हूँ। तो वैसे सिर्फ एक ऐसी ड्रेस है जो मेरे अभी तक बिल्कुल टाइट नहीं हुई है, ये वाली,
ये अभी मैंने ली थी बहुत टाइम पहले, अभी 5-6 महीने हो गए ली थी, तो ये मेरे को बिल्कुल भी टाइट नहीं हो रही, एकदम कंफर्टेबल है। और जिया का भी बर्थडे आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ जिया के बर्थडे में कुछ मैं सूट वगैरह पहनूं, तो सूट मैंने ले लिया है, उसको भी आज मैंने देना है सिलाई के लिए। तो गाइस मैंने ना एक वायरल वीडियो देखी थी, उसमें वो लेडी अपना मेकअप करती है और टिश्यू से अपना मेकअप हटाती है, तो वो बिल्कुल भी टिश्यू में मेकअप चिपकता नहीं है। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ कि ये रियल है कि फेक, ऐसा सच में होता है क्या। तो मैंने उसी दिन वायरल सेटिंग स्प्रे मंगा लिया था, तो आज मुझे टाइम मिला, इतने दिनों से मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं सोच रही थी कब मैं मार्केट जाऊँ, कब मैं मेकअप करूंगी, घर पे मेकअप करना खाली अच्छा भी नहीं लगता है, तो आज मुझे टाइम मिल गया है, मैं मार्केट जा ही रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मेकअप भी कर लूँ। गाइस फाइनली अब टिश्यू मैं अपने फेस पे लगाने जा रही हूँ और देखती हूँ मेकअप उतरता है कि नहीं। ये देखो उसमें मेरा बिल्कुल भी मेकअप नहीं लगा है और ये सही में काम करता है, मुझे लगा था ये काम नहीं करेगा। अगर आपको भी ये वायरल सेटिंग स्प्रे चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके वहाँ से ऑर्डर कर लो। तो बस यहाँ पर ना मैं एक दिन सोकर भी आ गया हूँ और लेकिन यहाँ इसका मेकअप नहीं खत्म हुआ, देखो बस हो गया यार, और काम भी होते, सिर्फ मेकअप ही नहीं होता है, सिर्फ लड़कियां लगाती 4-4 घंटे और लड़के लगाते 2 मिनट में रेडी। तो वही तो कहते हैं शाही पनीर और मैगी में फर्क होता है। बात कुछ समझ इतने टाइम बाद मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और गाड़ी में बैठी हूँ, इतने टाइम बाद ऐसा लग रहा है ना, अजीब सी स्मेल आ रही है गाड़ी से, ऐसा लग रहा है हमारी गाड़ी नहीं है ये। तो अब मैं जा रही हूँ सूट देने के लिए, सूट सिलवा लूँ सबसे पहले। मैं वैसे पापा से सिलवाने वाली थी सूट, पापा बहुत अच्छा सूट सिलते हैं, पर टाइम है नहीं और आगे जाम लगा हुआ है, जाम बंद, रास्ता बंद है। और देखो कुछ जन्माष्टमी का कुछ कर रहे हैं यहाँ पे शायद। भाई इससे आगे हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए हम पहल जा रहे हैं, क्योंकि मैडम का सूट ज्यादा जरूरी है। वैसे इसका मन नहीं करता सूट पहनने का, अब आजकल ऐसी हालत हो रही है, इसको सूट पहनने का मन कर रही है। तो मूड स्विंग के नाम पे मतलब कुछ भी करती रहती है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। किसी मेरे को अच्छे से पीट देगी, बोलेगी मूड स्विंग हो गया मेरा, कभी मेरा ड्रेस पहनने का मन कर जाए, कभी आप गलती से मना कर दो, फिर आपका हाल क्या हो जाएगा। प्रिय यहाँ नहीं है, ध्यान से, यहाँ नहीं है। तो गाइस फाइनली इतने टाइम बाद 2-3 दुकान, पता नहीं कितनी दुकान में हम जाके आए और फाइनली हमने अब ऑर्डर दे दिया है। अलमारी हमने रेडीमेड नहीं ली, बनवाई है, क्योंकि रेडीमेड खराब हो जाती है जल्दी, जैसे अभी हमारी हो रही है, तो इसलिए हमने बनवा ली, ऑर्डर दिया है, अब 10 दिन में मिल जाएगी। अब देखते हैं ये वाली अलमारी टाइम कितना लेती है, लेती मतलब 10 दिन में बन जाएगी तो नहीं, मतलब खराब कब होती है, जैसे हमारी 5 साल में वो खराब होने लग गई। वो ना वो कह रहे कि वो गत्ते वाला होता है, ये लक्कड़ है ये, इसीलिए हमने ऑर्डर देके बनवाई है और अपने हिसाब से बनेगी जैसा हमको चाहिए। हाँ कुछ तो बहुत हो रहे हो गए हैं। चल तो गाइज हम लोग मार्केट से आ गए हैं और सब लोग ने खाना पीना कर लिया है, अभी हम सब बैठे हुए हैं हमारे कमरे में, क्योंकि हम लोग खेलने वाले हैं गेम। ये गेम ना हमने बहुत पहले खेली हुई थी, तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं। ये देखो गेम खेलने के लिए सारे बंदे बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये जिया उछल रही है। लड्डू किधर गए? किधर गए? क्यों देखा सच्चाई बेटी बता सकती है, देखा सच्चाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गेम। तो गाइस यहाँ पर सेटअप तैयार हो चुका है गेम का और सब हमारे दर्शक यार, हमेशा मैं दर्शक क्यों बोलता हूँ, प्रतियोगिता क्या बोलते हैं, कंटेस्टेंट, सीधी सी बात है। तो गाइस यहाँ गेम खेलने के सब लोग तैयार हो चुके हैं और जो हारेगा उसके मुंह पे ये फोम जेल पड़ेगा, चलो, और जीतेगा वो बच जाएगा, बस सीधी सी बात है। ये
बदला हार गए हैं। यहाँ अब गेम की विनर है सिर्फ खुशी। ये देखो इसको मिलने वाला है अभी कुछ नहीं तो यहाँ पे सब मुकर गए देने के लिए, पर मम्मी ने बोला नहीं, इंसाफ इंसाफ होना चाहिए, मिलेगा जरूर मिलेगा गिफ्ट। तो ये यहाँ पे मम्मी दे रहे हैं अभी खुशी को गिफ्ट। जीत यार, ये जीत वालों को देना चाहिए। तेरे को क्या दे? हाँ हारे हो आप, क्या देना? जो जीता हो, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। पिछली बार मेरे पैसे लेके भागे थे ना? हमें नहीं पता, वो आपका मैटर है। वो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। ये क्या मिला दिखाओ तो सही, पहले क्या मिला? 10 रुपए मिले, क्या मिला? नहीं नहीं असली है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, असली असली है। यहाँ ऐसे जीतते रहो, घर वालों को खाली करते रहो। एक दूसरे को खाली करते जाओ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नया है सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।